ऑल राइट गाइस, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। इसका लिंक आपको ऐसे भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन पर आना होगा। गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, यानी कि आपको इसका एग्जीमल फाइल एंड प्रीसेट फाइल दोनों के लिंक रहेगा। आप जिससे इंपोर्ट करते हो एग्जीमल के थ्रू या प्रीसेट के थ्रू, इंपोर्ट कर लेना ये वाले प्रोजेक्ट को अपने लाइट मोशन के अंदर। अब जैसे कि मैं इस वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आपको ये वाला आइकन पे क्लिक करना होगा और ये कैमरा वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। इसके अंदर आपको फॉन्ट सब अगर रहता है तो सही है, अगर फॉन्ट नहीं रहता है तो आपको एरर देखने को मिलेगा, जो कि ये वाला फॉन्ट के लिए। इस वाले फॉन्ट का नेम है चार्लोट, आप देख सकते हो चार्लोट साउटन। इस वाले फॉन्ट को आप डाउनलोड कर लो और यहाँ पर इम्पोर्ट भी कर लो। इम्पोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर, जैसे कि मैं इस ऑडियो पे आपको दिखाया हूँ, अगर आप चाहते हो कोई अलग ऑडियो पे तो अपना वो वाला ऑडियो को इम्पोर्ट कर लेना। ऑडियो को इम्पोर्ट करने के बाद सोचो इस तरह है, तो अभी ये जो लिरिक्स आ रहा है इस पर आप अपना लिरिक्स टाइप कर देना। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट, ऊपर वाला जो है वो नेक्स्ट लिरिक्स है, यानी कि आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ ये वाला। अब ये नेक्स्ट है, उसके ऊपर वाला जो है वो तीन नंबर पर जो लिरिक्स आ रहा है वो है, यानी कि थर्ड नंबर वाला नीचे से स्टार्टिंग हो रहा है। अब जो चौथा नंबर है वो चौथा नंबर पे लिरिक्स आ रहा है, लाइन आ रहा है, और जो पांचवा नंबर है वो फिफ्थ नंबर पे लाइन आ रहा है। अब इस तरह आप गाना को, सॉन्ग को इंपोर्ट करने के साथ ये जो मूवमेंट सब आप देख रहे हो, एक ये यहाँ से ये इधर एक मूवमेंट जाएगा, जैसे कि ये, तो ये कैमरा है ना, ये कैमरा पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना। और ये आप इधर अगर आप ये वाला चीज़ को इधर करोगे, यानी कि लेफ्ट की तरफ करोगे, तो वो उतना जल्दी हो जाएगा। जैसे कि आप देखना यहाँ पर ये इस तरह आ रहा है और यहाँ पर फटाफट देखो उसमें चला गया, बट वो अभी नहीं करना है आपको अपने। अगर आप इसे इधर करोगे तो वो उतना लेट से होगा। तो आपका जैसे कि यहाँ पर ये लिरिक्स आ रहा है, ये वाला लिरिक्स आ रहा है, फिर आपको अभी नेक्स्ट तरफ जाना है। ये मैं आपको अभी नहीं समझाता हूँ, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ, तब आप इजीली समझ पाओगे। अभी आपको यहाँ पर जैसे कि अपना जो भी ग्रुप है, ये वाला ग्रुप के अंदर जाना होगा, एडिट ग्रुप, ग्रुप नंबर वन पे आया मैं, एडिट ग्रुप किया। और यहाँ पर गाइज अपना आपको यहाँ पर इमेज इंपोर्ट करना होगा, जिस भी इमेज पर आप वीडियोस बना रहे हो। तो इन सारे इमेजेस जो आपने फ्री पे देखा, पिंटरेस्ट पे मिल जाते हैं उस टाइप के इमेजेस सब, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो उन सारे इमेजेस सबको। फिलहाल मैं ये वाला फ़ोटोज़ को इंपोर्ट किया। अब इसे आप नीचे की तरफ इस तरह ड्रैग कर दो, उस फोटोज़ लेयर पर क्लिक करके एक्सटेंड कर लो। फोटोज़ लेयर को इस तरह आप यहाँ पर बैक करके इस कॉर्नर पे क्लिक करके छोटा कर लेना। छोटा करने के बाद आप अब यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लो। अब यहाँ पर देखना ये फ़ोटो आपका सही तरीके से एडजस्टमेंट भी हो चुका है। अब यहाँ पर आपको बैक करना होगा। अभी देखना यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो आपको यहाँ पर सेट हो चुका है। अभी बैकग्राउंड का इमेज चेंज करना है तो आप ब्लैक, आप ग्रे, आप वाइट, जो भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो जैसे कि मैं इसे रहने देता हूँ, अभी फ़िलहाल सही लग रहा है देखने में। अब यहाँ पर आप इसे भी रख सकते हो। अभी क्या करना होगा, आपका ये जो ग्रुप नंबर वन था, अब ग्रुप नंबर टू पे जाकर एडिट ग्रुप पर जाना होगा और अपना सेम दूसरा वाला इमेज को यूज़ कर लो आप यहाँ पर। मैं यहाँ पर ये वाला इमेज यूज़ कर रहा हूँ, इसे डाउन कर लो, एंड तक एक्सटेंड कर लो। अब इसे सेम स्टाइल उसी तरह आप इसे छोटा करके इस जगह पर इस तरह कॉर्नर पर क्लिक करके छोटा करके एडजस्टमेंट कर लो। थोड़ा मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाके सही तरीके से, हाँ इस तरह थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, अब सही है। अब देखना थोड़ा, अब आपके यहाँ पर जो ये नेक्स्ट वाला है, यानी कि ये वाला भी सेट हो चुका है, बट इस पर एक दिक्कत है। आप देखना मॉडल का पिक ना थोड़ा इधर करना होगा, तब सही लगेगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं और अब ये सही लगेगा देखने में। ऑल राइट, जैसे कि आप देख रहे हो, अब यहाँ पर थर्ड नंबर ग्रुप पर क्लिक करके सेम स्टाइल पर उसी तरह इमेजेस सबको इम्पोर्ट कर लो और यहाँ पर आप उसी तरह कर लो। तो मैं यहाँ पर सेम स्टाइल पर कर लेता हूँ। अब जैसे कि ये वाला इंपोर्ट किया, नीचे की तरफ कर लेता हूँ, अब इसे एंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ, छोटा कर लेना होगा। इस तरह भी आप छोटा कर सकते हो, यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाने के बाद आप उसका साइज़ को छोटा कर सकते हो इस तरह भी, या फिर जैसे कि आपको मैंने दिखाया आप उस तरह भी कर सकते हैं। अब ये थर्ड नंबर ग्रुप पर भी आपका हो गया है यहाँ पर, यानी कि इमेजेस एडजस्टमेंट। अब इस सारे के अंदर आपको यहाँ पर ऐड कर देना होगा फ़ोटोज़, मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मैं ग्रुप के अंदर यहाँ पर फोटो सबको सेट कर चुका हूँ। अब आपका नंबर टू वाला ग्रुप पे क्लिक करना होगा, बॉर्डर एंड शैडो पे जाना होगा। बॉर्डर एंड शैडो पे जाने के बाद शैडो को एनेबल करना होगा और इसे साइज़ को 50 करना होगा। इसे करने के बाद आपको थर्ड नंबर ग्रुप पे क्लिक करना होगा, सेम स्टाइल पे आपको बॉर्डर एंड शैडो पे जाकर शैडो को एनेबल करना होगा और इसे आपको 50% तक कर देना होगा। अब जैसे कि ये वाला भी हो गया, अब चौथा नंबर वाला ग्रुप पे क्लिक करना होगा, बॉर्डर एंड शैडो पे जाना होगा, शैडो को एनेबल करना होगा। यहाँ पर मैं जाकर 50 कर देता हूँ इसे। ओके गाइज, यहाँ पर देखो ये भी कर दिया। अब इसके अंदर भी आपको सेम उसी तरह, सॉरी यहाँ पर बॉर्डर हो गया,
बॉर्डर पे जाने के बाद इसे एनेबल कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ इसे। ऑलराइट, अभी आप यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर आप इतना कर दिए, अब मैं आपको कैमरा वाला ऑप्शन पे समझा देता हूँ। जैसे कि ये जो फोटोज़ है, अब आपका कोई भी सॉन्ग लेट होता है कभी, मतलब ये ज़्यादातर रहेगा, या ये आपका नीचे वाला जो ये सेकंड वाला ग्रुप है, ये फोटोज़ है, इस पर जल्दी जाना है तो आपको क्या करना होगा, जल्दी जाना है तो इसे आपको इधर करना होगा, और लेट जाना है तो आपको इधर इधर करना होगा। अगर आपको नेक्स्ट वाला पे जाना है तो आपको इसे की फ्रेम को नेक्स्ट इधर करना होगा, जल्दी जाना है तो इधर करना होगा। तो यहाँ पर मैं जैसा है परफेक्ट सा कर देता हूँ यहाँ पर। चलो यार, जिस तरह था मैं उस तरह कर दिया, सही है। अब यहाँ पर देखना आपका ये सॉन्ग के साथ सही तरीके से एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ये वाला ग्रुप, ये वाला को चेंज करना है, ये वाला, तब इसे, मतलब यहाँ पर जो भी आपको चेंज करना होगा उसके, यानी कि ये फ़ोटोज़ और ये इसके दौरान पे जो भी चेंजेस करना है, तो आप ये वाला उस टाइमलाइन पे टाइम पे आना, और ये जो की फ्रेम देख रहे हो ना, उसे आप चेंजेस करना होगा। तो इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, वीडियो के साथ बने रहना। यहाँ पर आपको ये जो मूड फॉन्ट है, इसके अंदर ये वाला फॉन्ट का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अब यहाँ पर गाइस आपको ये जो इमेज है एक्सएमएल फाइल लोग के लिए मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। अब ये राउंडेड रेक्टेंगल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपको सेम ये वाला इमेज को यूज़ करना होगा। मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया। करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो आपका फोटोज़ है राउंडेड रेक्टेंगल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उतना दूर आपको इधर स्लाइड करना होगा, उसे आपको नीचे की तरफ इस तरह कर लेना होगा। करने के बाद आपको वो जो फोटोज़ है एंड तक एक्सटेंड करना होगा। एंड तक एक्सटेंड करने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया करना होगा। अभी देखना ये कंपोजिशन एरिया करने के बाद बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप सही तरीके से इस तरह आप इंक्रीज़ कर लो इस तरह। तो ये दिक्कत थोड़ा कर रहा है, तो मैं इस तरह ना इंक्रीज़ कर लेता हूँ, या मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके आप साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लो, फिल कंपोजिशन एरिया करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो इस तरह कर लिया आपने, अब इसके अंदर इफ़ेक्ट्स ऐड करना होगा। तो ये फ़ोटोज़ को मैं थोड़ा सी इधर कर देता हूँ, और ये इधर, हाँ। अब इसके अंदर इफ़ेक्ट्स जो है फेड इन फेड आउट, तो फेड इन यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ मैं, फेड इन स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज़ कर लो, आउट को 0% कर लो, 50% उसे रहने दो। अब देखना ये आपका इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक पार्टिकल वीडियो रहेगा उससे आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से। तो कुछ ये वाला पार्टिकल वीडियो है, तो इसका मैं ना साइज को इंक्रीज़ कर देता हूँ कुछ इतना, और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके मैं इस तरह सेट कर लेता हूँ। ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाकर लाइट इन पर जाके स्क्रीन कर देता हूँ, और एक्स्ट्रा पार्ट जो है आप इसका कट कर दीजिए, और यहाँ पर कुछ ये इस तरह हर्ट पार्टिकल आपका क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो आप इसमें छोटा कर लो थोड़ा, और थोड़ा छोटा मैं कर लिया, और नीचे की तरफ इस तरह कर लेता हूँ। अब देखना आपका ये सही रहेगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, जो भी पार्टिकल वीडियो ऐड करना होगा आप कर सकते हैं। बाय द वे मैं यहाँ पर एक पार्टिकल वीडियो यूज़ कर लेता हूँ इसका, ऐसे भी इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, जो कि अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पर यार कहाँ गया स्टडी वीडियो, या मिल गया ये वाला वीडियो है, तो आप इसे इंपोर्ट कर लो। रोटेट पे जाना, रोटेट -90 degree करना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद साइज पे जाना, और थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना इस तरह। इंक्रीज़ करने के बाद आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाके लाइटन पर जाके इससे ब्राइटनेस को स्क्रीन करके ब्राइटनेस को कम कर देना, 50 कर देना, या आप यहाँ पर इफेक्ट ऐड कर देना ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का जो ये ब्राइटनेस है इसे थोड़ा घटा लेना, मैं -25 कर देता हूँ। अब इसके अंदर आपका इफेक्ट्स भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर गाइज आपका ये वीडियो जितना दूर है रखना चाहते हो उतना दूर रख सकते हो, तो 32 सेकंड तक मैंने इसे रखा। अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, ये इफेक्ट्स ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बैकग्राउंड का कलर ग्रे वाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसा आपका मर्जी आप यहाँ पर कर लो। अब मैं ना एक आपको CC इफेक्ट का दे दूंगा, तो ये प्रोजेक्ट का आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, और ये सारे 6 layers आपको यहाँ पर रहेंगे, तो ये 6 layers को मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, कैमरा का ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखो ये बहुत ही सही लगेगा, अगर आप चाहते हो CC इफेक्ट यूज़ करना तो कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते तो कुछ ये इस टाइप से देखने को मिलेगा। इसके अंदर ऑडियो रहता है, इसे 0% कर देना। ये आपका कुछ वीडियो बन के रेडी है, शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर लो। आई होप आपको ये वीडियो देख के पसंद आया होगा, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। मिलते हैं गाइस नए वीडियो के साथ।